नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा ही रोचक बात बताने वाले हैं कि आखिर क्यों हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कारण। आखिर क्यों हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। परिक्रमा करने का कारण शायद आप जानते भी होंगे या नहीं भी। किसी मंदिर की परिक्रमा करना हमारे लिए बेहद गुणकारी तथा लाभकारी सिद्ध होती है। मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा होती है और जब हम इसकी परिक्रमा करते हैं तब वह ऊर्जा हमारे शरीर में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होती है, जिसके कारण हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा के लाभ हमें तभी होगा जब हम सभी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने की सही नियम है, जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा की तरफ परिक्रमा करना। विपरीत दिशा की तरफ परिक्रमा करने पर हमें परिक्रमा का कोई लाभ नहीं मिलता। परिक्रमा का लाभ यह है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट होना आरंभ हो जाएगा। यह ऊर्जा हमें ईश्वर से सदा जोड़े रखती है। धन्यवाद।